सीएम सर एक कमेंट सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर सर किस तरीके से देख रहे हैं? बड़ी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है पूरा 9 साल का था, कांग्रेस कह रही थी कि हमारा बिल है, लेकिन बीजेपी जो है इसको लात में नजर आई है। देखिए इतिहास बन जाया करता है, और भले ही कितनी ही पुरानी ये मांग चल रही हो, इसकी प्रोसेस चल रही हो, लेकिन मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण में इतना बड़ा कदम ये रखा है कि बहुत सराहनीय है, और मैं देशभर की महिलाओं को बहुत बहुत इस विषय के लिए बधाई भी देता हूँ। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी भी वर्ग को इस प्रकार का प्रतिनिधित्व देकर के आगे बढ़ाने का ये अनोखा एक कार्यक्रम है, और विशेष तौर पर अभी जो सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, जिसमें नया संसद भवन उसमें जाने के बाद पहला ही बिल ये पारित किया गया है, तो इसके लिए बहुत बड़ा है। सर आप कांग्रेस के स्टैंड को किस तरीके से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जो है लाया गया था, हमारी सोच कहीं ना कहीं ये थी, अब बीजेपी चूंकि इसको लेकर आई है सर, महिलाओं के बारे में हम जानते हैं कि तमाम योजनाएं, उज्ज्वला योजना की बात करें या फिर अन्य योजनाओं की बात करें, देखिए किसी विषय पर ऐसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक विचार होता है, विचार कब शुरू होता है, कब परिपक्व होता है, अंतोगत जो श्रेय चढ़ता है उस समय का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है, तो एक इतिहास बन गया है मोदी जी की सरकार के समय समय और इसके ऊपर एक प्रकार से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं, हम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो जो है इस पूरे दौरे को जो है समझते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम सर एक कमेंट सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर सर किस तरीके से देख रहे हैं? बड़ी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है पूरा 9 साल का था, कांग्रेस कह रही थी कि हमारा बिल है, लेकिन बीजेपी जो है इसको लात में नजर आई है। देखिए इतिहास बन जाया करता है, और भले ही कितनी ही पुरानी ये मांग चल रही हो, इसकी प्रोसेस चल रही हो, लेकिन मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण में इतना बड़ा कदम ये रखा है कि बहुत सराहनीय है, और मैं देशभर की महिलाओं को बहुत बहुत इस विषय के लिए बधाई भी देता हूँ। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी भी वर्ग को इस प्रकार का प्रतिनिधित्व देकर के आगे बढ़ाने का ये अनोखा एक कार्यक्रम है, और विशेष तौर पर अभी जो सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, जिसमें नया संसद भवन उसमें जाने के बाद पहला ही बिल ये पारित किया गया है, तो इसके लिए बहुत बड़ा है। सर आप कांग्रेस के स्टैंड को किस तरीके से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जो है लाया गया था, हमारी सोच कहीं ना कहीं ये थी, अब बीजेपी चूंकि इसको लेकर आई है सर, महिलाओं के बारे में हम जानते हैं कि तमाम योजनाएं, उज्ज्वला योजना की बात करें या फिर अन्य योजनाओं की बात करें, देखिए किसी विषय पर ऐसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक विचार होता है, विचार कब शुरू होता है, कब परिपक्व होता है, अंतोगत जो श्रेय चढ़ता है उस समय का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है, तो एक इतिहास बन गया है मोदी जी की सरकार के समय समय और इसके ऊपर एक प्रकार से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।